चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से बताते हैं कि जहां बैटरी बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है, भीषण आग लगी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक रखा हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक है और इसी वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है आग पर काबू पाने की। लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश जारी है किस तरीके से आग पर काबू पाने की। इंदौर से खबर बता दें कि बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी आप इंदौर से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी भीषण यहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने में दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और फैक्ट्री में प्लास्टिक ज्यादा होने के कारण आग भड़की है और इसी वजह से आग पर काबू पाने में भी मुश्किल हो रही है। हालांकि दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की और पुलिस के अधिकारी भी जो है वो मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है। बैटरी बनाने की ये फैक्ट्री है और यहाँ पर भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पर बैटरी बनाई जाती है और यहाँ पर प्लास्टिक भी ज़्यादा है और इसी वजह से आग में काबू पाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें मुश्किल भी हो रही थी। हालांकि कोशिश अभी भी जारी है और तस्वीरें भी इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आग बुझाने में दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। बता दें कि फैक्ट्री में प्लास्टिक ज़्यादा है और इसी वजह से आग जो है वो भड़क गई है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। लखन, जानना चाहेंगे आग पर काबू पाया गया है या नहीं? बिल्कुल नेहा जी, आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में यहाँ पर इंदौर में आग लगी थी सांवेर रोड पर। क्योंकि गर्मी का समय है, आग की लपटें प्लास्टिक होने की वजह से तेज उठी तो पास में एक और जो फैक्ट्री थी उसको भी उसने अपनी चपेट पर ले लिया था और अभी 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है जी। लेकिन आग यहाँ लगी कैसे, इसका कारण स्पष्ट हो पाया है? जी, अभी फायर ब्रिगेड और दमकल कर्मी मुकर पे हैं, उनने इसके द्वारा भी जो जांच की जा रही है, अभी ये तो नहीं कहा जा रहा है कि क्या कारण है, लेकिन जो कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे वो शॉर्ट सर्किट की बात कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है फैक्ट्री में। लेकिन नुकसान की अगर बात की जाए तो कितने का नुकसान अभी तक हुआ है, इसकी कोई जानकारी? क्योंकि नया फैक्ट्री में अभी दमकल कर्मी मौजूद है, फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे और मालिक हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन जो आग फैली हुई है और जो नुकसान देखा जा रहा है इसमें लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया लखन तमाम जानकारी के, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान की अगर बात की जाए तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी कर्मचारी इस फैक्ट्री के थे उन्हें अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। बहरहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी इंदौर से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बैटरी बनाने की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी थी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।